हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रभाकर MBBS। टुडेज टॉपिक इज़ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया? अगर इसका यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मेरा एक ही फंडा है, कोई भी टॉपिक पकड़ने से पहले उस टॉपिक के वर्ड को पकड़ो। क्या है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया? क्या होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, डिस्कस करते हैं। अगर इस टॉपिक का बात करें, मेगालोब्लास्ट, मेगालो का मतलब होता है लार्ज। क्या लार्ज? मतलब RBC का साइज जब लार्ज हो जाए उस कंडीशन को बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक। इसीलिए लार्ज, मेगालो का मतलब क्या हो गया? लार्ज। इसीलिए अपन इसे क्या बोलते हैं? मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी बोलेंगे। मतलब बोल सकते हैं RBC का साइज क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल RBC का साइज है उससे क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। अगर लार्ज हो गया तो उसे क्या बोलेंगे? मेगा वर्ड यूज़ कर देंगे, मेगालो। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी बोलते हैं। सवाल आता है कि हम लोग नॉर्मल RBC का जो हम लोग प्रोसेस एरिथ्रोपोइसिस में स्टेज देख चुके हैं, जैसे जैसे आप प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से लेकर जैसे जैसे आप फाइनल स्टेज मतलब एरिथ्रोसाइट तक जाएंगे, तो RBC का साइज जो होता है छोटा होते जाता है। फाइनली मेरा मकसद क्या होता है? एरिथ्रोसाइट बनाना। और वहाँ पे जो एरिथ्रोसाइट में जो RBC सबसे छोटा होता है, लगभग 6 से 7.5 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, मैच्योर RBC जिसे अपन एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। यही हम अपन एरिथ्रोपोइसिस में पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है मेगालोब्लास्ट, इसमें क्या होता है RBC का साइज एक जो एरिथ्रोसाइट नॉर्मल RBC के बराबर नहीं होता है, उससे क्या होता है? लार्ज हो जाता है। इसीलिए इसे अपन क्या बोलेंगे? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलेंगे या मैक्रोसाइटिक एनीमिया बोलेंगे। तो और दूसरी इंपॉर्टेंट, यह साइज बड़ा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि इसमें डेफिशिएंसी हो जाता है विटामिन B12 और फॉलेट का। डेफिशिएंसी होने के कारण RBC का साइज क्या होता है? नॉर्मल से लार्ज हो जाता है। इसीलिए अपन क्या बोलेंगे? विटामिन B12 और फॉलेट की कमी से क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। सिंपल। अगर सोर्स का बात करें तो कहाँ कहाँ से विटामिन B12 हम अपन ऑब्टेन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से फॉलेट हमें मिल सकती है, उसका अगर बात करें तो विटामिन B12 आपको देखने को मिलेगा जो सी फूड्स हैं, जैसे फिश हो गया, और कुछ मीट में मिलेगा, एग में मिलेगा, चीज़ में मिलेगा, मिल्क में मिलेगा, और जो एनिमल फूड है उसमें देखने को मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट है, ये जो सोर्स है जिससे हम विटामिन B12 को ऑब्टेन करेंगे, अगर इसको हम कुकिंग करते हैं, अगर इस फूड को, इस सी फूड को या फिश को, मीट को, एग को, चीज़ को या मिल्क या एनिमल फूड को अपन क्या करते हैं? कुकिंग करते हैं। ड्यूरिंग कुकिंग करने की ड्यूरिंग क्या होता है? लगभग 15 से 30% विटामिन B12 लॉस हो जाता है, 15 से 20% विटामिन B12 लॉस हो जाता है। और डेली रिक्वायरमेंट का बात करें तो डेली रिक्वायरमेंट जो होता है विटामिन B12 का, लगभग 2 to 4 माइक्रोग्राम होता है। कितना होता है? 2 to 4 माइक्रोग्राम होता है। अगर हम बात करें फॉलेट का, फॉलेट क्या होता है? ये मिलेगा आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल में मिलेगा, स्पाइनिस में मिलेगा, और कैबेज में मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैबेज में मिलेगा, नट्स में मिलेगा, और प्लांट जो प्रोडक्ट है उसमें देखने को मिलेगा। फिर इसमें भी अगर अपन इसे कुकिंग करेंगे, कुकिंग में लगभग 70 to 90% जो होता है ना फॉलेट का लॉस हो जाता है। इसमें भी अगर ये इस सोर्स को जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, स्पाइनच है, इसको हम पकाते हैं, अगर कुकिंग करते हैं, उसके ड्यूरिंग कितना लॉस हो जाता है? 70 to 90% इतना लॉस हो जाता है। इसका डेली रिक्वायरमेंट का बात करेंगे, ये 200 माइक्रोग्राम, क्योंकि मैक्सिमम तो लॉस हो जा रहा है, तो इसमें लगभग क्या हो जाएगा? 200 माइक्रोग्राम डेली का रिक्वायरमेंट हमारे ह्यूमन बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, नीडेड होता है। अगर अपन नेक्स्ट पेज पे चले तो कुछ डिफेक्ट है जो विटामिन B12 के डेफिशिएंसी और फोलेट के कारण हो सकता है। जैसे विटामिन B12 के कारण क्या देखने को मिलेगा, उससे पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना। अगर मान लो, सपोज डैट हमने क्या किया कि जो एनिमल फूड है उसे बंद कर दिए, एनिमल फूड बंद, जैसे सी फूड, फिश, मीट, एग वगैरह अपन नहीं ले रहे हैं, तो बंद करने के बाद भी हमारे 2 साल तक विटामिन B12 जो हमारे बॉडी में स्टोर है वह प्रेजेंट रहेगा, और 2 साल के बाद यह ख़त्म हो जाएगा, 2 साल के बाद यह ख़त्म हो जाएगा। उसी तरीक़ा से अगर हम बात करें जो फॉलेट का, अगर हम प्लांट फूड मान लो, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, कैबेज है, स्पाइनस है, नट्स है, और प्लांट्स फूड है, ये सब क्या करते हैं? अगर अपन मान लो सपोज डैट 4 मंथ नहीं लिए, कंटिन्यू 4 मंथ नहीं लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉलेट का, 4 मंथ के बाद ये फॉलेट ख़त्म हो जाएगा और हमारे बॉडी में फॉलेट का डेफिशिएंसी हो जाएगा। अब फिर आते हैं इस पर, क्या डिफेक्ट होता है विटामिन B12 के डेफिशिएंसी से और फॉलेट के डेफिशिएंसी से, उसको डिस्कस करते हैं। अगर इसका बात करें
तो विटामिन B12 का अगर डेफिशिएंसी है तो न्यूरोपैथी देखने को मिल सकता है। न्यूरोपैथी मतलब क्या होता है कि डीमाइलिनेशन, जो हम लोग माइलिनोजेनेसिस पढ़े थे उसमें माइलिन सिथ का जो फॉर्मेशन होता है वह माइलिन सिथ फॉर्मेशन ख़त्म हो जाता है, मतलब माइलिनोजेनेसिस नहीं हो पाता है, इस चीज़ को मतलब डीमाइलिनेशन हो जाता है, इसे बोलते हैं न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी हो जाता है, लेकिन फॉलेट की कमी से क्या होता है, न्यूरोपैथी नहीं होगा। विटामिन B12 की कमी से क्या क्या होगा, इसमें क्या होता है, हैंड और फीट जो है, हैंड और फीट में टिंगलिंग हो जाएगा, नमनेस देखने को मिलेगा, मोटर जो एरिया है उसमें डिस्टर्बेंस तुम्हें देखने को मिलेगा, इम्पेयर्ड जॉइंट का जो पोजीशन है उसमें इम्पेयर्ड देखने को मिलेगा, और गेट का एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेगा, जो गेट वगैरह है, जो गेट पोस्चर है, ये सब क्या हो जाएगा, उसमें एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेगा। इसका काउज क्या हो जाएगा, जिस तरीका से अपन ने आयरन डेफिशिएंसी का काउज देखे थे उसी तरीका से इसका काउज देखे तो ये इसका काउज क्या होता है, अगर हम क्या करें, विटामिन B12 हो या फॉलेट, इसके इंटेक को कम कर दे, उसके इंटेक को कम कर दे तो क्या हो जाएगा, दोनों का डेफिशिएंसी हो जाएगा, और दोनों का डेफिशिएंसी हो गया इसका मतलब मैग्रोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, इंटेक डिक्रीज होना, इसका मतलब काउज क्या है, मैग्रोब्लास्टिक का पहला काउज। और दूसरा, अगर हमारी बॉडी में उसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, हम उतना रिक्वायरमेंट नहीं दे रहे हैं, तो फिर भी क्या हो जाएगा, विटामिन B12 और फॉलेट का डेफिशिएंसी होगा, और उस केसेस में भी जो एनीमिया होगा दैट इज़ कॉल्ड मैग्रोब्लास्टिक एनीमिया, इसका मतलब नीड के इंक्रीज के कारण भी हो सकता है। और तीसरा, जो माल एब्जॉर्प्शन है, माल एब्जॉर्प्शन के कारण भी क्या होता है, या आयरन फॉलेट और विटामिन B12 का डेफिशिएंसी हो सकता है। अगर हम बात करें, एक इंपॉर्टेंट है कैस्ट्रोल इंट्रेंसिक फैक्टर, डेट इज़ कॉल्ड इंट्रेंसिक फैक्टर भी अपन कभी कभी बोलते हैं, इसका डेफिशिएंसी हो जाता है। ये जो कैस्ट्रोल इंट्रेंसिक फैक्टर, मतलब इंट्रेंसिक फैक्टर के डेफिशिएंसी से क्या होता है, जो एनीमिया होगा उसे बोलते हैं अपन परनीशियस एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परनीशियस एनीमिया बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, विटामिन B12 का कमी होगा तो इंट्रेंसिक फैक्टर का क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो गया, इसका मतलब जो एनीमिया होगा उसे क्या बोलेंगे अपन, परनीशियस एनीमिया बोलेंगे। तो यह अब सवाल आता है, यह इंट्रेंसिक फैक्टर का सिक्रीशन कहाँ से होता है, जो ऑक्सेंट्रिक सेल है ना, इस ऑक्सेंट्रिक सेल से क्या हो जाएगा, इंट्रेंसिक फैक्टर का सिक्रीशन होता है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जो इंट्रेंसिक फैक्टर है कहाँ से निकलता है, यह ऑक्सेंट्रिक सेल, ऑक्सेंट्रिक सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, यह स्टमक में प्रेजेंट होता है, स्टमक में प्रेजेंट है। यह इंट्रेंसिक फैक्टर करता क्या है, यह इंट्रेंसिक फैक्टर जो विटामिन B12 है ना, इस विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और सवाल आता है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ईलियम में होता है, और ईलियम में क्या करता है, यह हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में, कौन इंट्रेंसिक फैक्टर सिक्रीट किससे होगा, ऑक्सेंटिंग सेल से, कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक में प्रेजेंट होता है। यह इंट्रेंसिक फैक्टर का काउज का बात करें, डेफिशिएंसी जो होता है यह इसका काउज क्या होता है, पहला काउज होता है जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा का एट्रोफी होना, क्या गैस्ट्रिक म्यूकोसा का एट्रोफी होना, और दूसरा सब कोई एक ऐसा कंडीशन आएगा जो स्टमक को रिमूव करना पड़ जाए, मतलब गैस्ट्रेक्टोमी के केसेस में, गैस्ट्रेक्टोमी के केसेस में। ये तो अपन क्या हो जाएगा, काउज हो गया, क्या होता है मैग्नोब्लास्टिक का, मैग्नोब्लास्टिक का क्या क्या काउज होता है। अगर अपन बात करें इसमें डायग्नोसिस का, जिसमें डायग्नोसिस और टेस्ट करते हैं तो उसमें जो देखने को मिलेगा RBC का साइज, एक तो पहला क्या हो जाएगा, मैक्रोसाइटिक होगा, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें क्या हो जाएगा, नॉर्मोक्रोमिक होगा, क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम नहीं, हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहेगा, नॉर्मोक्रोमिक होगा। और यहाँ पे RBC का काउंट तुम्हें डिक्रीज देखने को मिलेगा, अरे एनीमिया है ना, एनीमिया है तो RBC का काउंट तुम्हें डिक्रीज देखने को मिलेगा, हीमोग्लोबिन नॉर्मल भी हो सकता है या इंक्रीज भी देखने को मिल सकता है हीमोग्लोबिन। और MCV तुम्हें ज़्यादा देखने को मिलेगा, MCH ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। और न्यूक्लिएटेड RBC प्रेजेंट होगा, अगर पेरिफेरल स्मियर देखोगे तो उसमें न्यूक्लिएटेड RBC देखने को मिलेगा, न्यूक्लिएटेड RBC तुम्हें देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें मैग्लोब्लास्ट प्रेजेंट होगा, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेगा, क्या हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेगा। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल क्या होता है, नॉर्मली जो होता है, जो न्यूट्रोफिल्स होता है ना RBC में, वो लगभग 3 से 4 अप्रोक्स होते हैं, 3 लोब्स होते हैं, लेकिन जो हाइपर सेगमेंटेड होता है उसमें 6 से 6 लोब से ज़्यादा तुम्हें देखने को मिलेगा, 6 लोब से ज़्यादा देखने को मिलेगा न्यूक्लियस में। क्या हो जाएगा, हाइपर सेगमेंटेड, इसीलिए क्या बोलेंगे, न्यूट्रोफिल, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल इसे बोल देंगे। अगर अपन बात करें क्लिनिकल फीचर का, जितने भी एनीमिया है ना उसका सबका क्लिनिकल फीचर ऑलमोस्ट सेम होता है, लगभग सेम ही होता है। जिसे अपन बात करें इसका क्लिनिकल फीचर में, हम अपन आयरन डेफिशिएंसी में बात कर चुके हैं, इसमें भी सेम क्लिनिकल फीचर हो जाएगा, फैटिगनेस देखने को मिलेगा, वीकनेस देखने को मिलेगा, पेल स्किन देखने को मिलेगा, डिजीनेस देखने को मिलेगा, हेडेक आ जाएगा, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन कोई भी चीज़ एक्टिविटीज़ करने में जो कंसंट्रेशन का लॉस हो जाएगा, इरिटेबिलिटी उसमें देखने को मिलेगा, पल्पिटेशन उसमें देखने को मिलेगा उस पेशेंट में। अगर अपन बात करें ट्रीटमेंट का, ट्रीटमेंट क्या होता है,
सपोज दैट ये एनीमिया होता है किस चीज़ के लिए? आयरन विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के डेफिशिएंसी से। इसका मतलब क्या, वो करेंगे हम विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का टेबलेट उस पेशेंट को अपन सप्लाई करेंगे, प्रोवाइड करेंगे उसको, मतलब कि एक्सटर्नली क्या होगा, टेबलेट के फॉर्म में क्या देंगे हम विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। और इसमें क्या करेंगे, जो काउज है ना, जो ट्रीटमेंट जो काउज है इस मेगलोब्लास्टिक का, उसका हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। अभी तक हम लोग क्या बात किए, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया का। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो डेट इज़ कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और जितने भी मेडिकोज हैं हर तक पहुंचाओ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।